तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने ये तो देख लिया है जो इसमें कर्व बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और हम अब देखते हैं कुछ थ्योरीज जो ये बताता है कि कोई भी जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है वो कैसे काम करता है, उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसको जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए कुछ थ्योरीज जो हैं आगे प्रपोज्ड हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ये बता पाएंगे कि वो जो इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी कैसी है, हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन में हम लोगों ने पिछले उसमें देख चुके हैं ग्राफ किसके बीच में, स्ट्रेन स्ट्रेन है ना, बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। चलिए अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ थ्योरी ऑल सॉलिड्स कंटेन्स फ्लॉज एंड माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स। ठीक है, तो ग्रिफिथ जो है उसके अकॉर्डिंग हर सॉलिड में क्या होता है, फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो फ्लॉज है इसका मतलब होता है वीक हिस्सा, किसी भी पार्टिकल्स का वीक हिस्सा जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर जो क्रैक्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स होते हैं, या फिर क्रैक्स नहीं भी है तो जो वीक हिस्सा होता है जब भी हम उस पर इम्पैक्ट डालेंगे तो वो उसी जगह से क्रैक बनना डेवलप होना स्टार्ट होगा, तो ये क्या कहलाता है, फ्लॉज। फ्लॉज यानी वीक हिस्सा किसी भी पार्टिकल का जो क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब उस पर हम इम्पैक्ट डालेंगे या स्ट्रेस डालेंगे तो। ठीक है, फिर आता है माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, यानी उसमें अगर आप पार्टिकल्स को ऐसे दूर से देखोगे तो उसमें कोई क्रैक्स नजर नहीं आएगा, बट माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा, और कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो। ठीक है, पर अपन बात कर रहे हैं जिनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अ फ्लॉज इन एनी स्ट्रक्चरल वीकनेस दैट मे डेवलप इंटू अ क्रैक्स अंडर स्ट्रेन। मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया कि फ्लॉज क्या है, कोई भी टाइप का वीकनेस होगा जिसपे जब स्ट्रेन डालेंगे या स्ट्रेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द वीकेस्ट फ्लॉज इन पार्टिकल डिटरमाइंस इट्स फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्चर। ठीक है, तो जो फ्लॉज होता है किसी भी पार्टिकल में वो क्या बताएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बताएगा। मतलब हम अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेन जब उसमें आएगा तो वो क्रैक्स में कन्वर्ट होके फ्रैक्चर हो रहा है, नहीं कि फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना। ठीक है, तो फ्रैक्चर का जो स्ट्रेंथ होगा कि हम अगर उसमें इंपैक्ट डाल रहे हैं तो कितना फ्रैक्चर होगा, वो हम वो कौन डिसाइड करता है, फ्लॉज, वीकेस्ट फ्लॉज। ठीक है, इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय फ्रैक्चर। ठीक है, एंड द पार्टिकल्स विथ द वीकेस्ट फ्लॉ फ्रैक्चर्स मोस्ट इजली एंड प्रोड्यूस लार्जेस्ट पॉसिबल पीसेस। ठीक है, पार्टिकल्स जिसके पास बहुत ही कमजोर, बहुत सारे क्या होंगे, वीकेस्ट फ्लॉज होंगे। ठीक है, वीकेस्ट फ्लॉज मतलब कमजोर से कमजोर, तो फ्रैक्चर होने पे वो बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे। मतलब जब आप कभी कभी देखोगे कि कुछ ब्रिटल टाइप के मटेरियल होते हैं, जब आप उसको हैमर से या किसी चीज़ से इम्पैक्ट डालते हैं तो क्या होता है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पर हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसमें एक हर बार के जब आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, जब उसमें फोर्स डाल रहे हो, तो हर बार वो टूटेगा नहीं, है ना। वो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, अगर वो ब्रिटल नेचर का है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोग एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, आप लोग मोतीचूर के लड्डू देखते हो, अगर थोड़ा सा भी आप दबाओगे तो क्या होता है, एकदम झर जाता है, बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पर वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि आपके पास कोई बर्फी है, अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे तो एक बार जब आप फ्रेश उस पर स्ट्रेस डालोगे तो क्या एक बार में बहुत सारे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, अनदर वीकेस्ट फ्लॉ फ्रैक्चर्स, यानी कि जैसे पहले बार इम्पैक्ट डालेंगे तो जो बहुत ज़्यादा कमजोर हिस्सा था वो क्रैक्स में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल्स में टूट गया, और उसके बाद फर्दर जब हम उस पर इम्पैक्ट डालेंगे तो क्या होगा, उसमें जो अनदर वीकेस्ट फ्लॉ है वो टूटेगा। ठीक है,
दिस प्रोसेस कंटिन्यू अनटिल ऑल फ्लॉज आर फ्रैक्चर्ड, मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस पर अप्लाई करते रहोगे, ये कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक उसके ऑल जो फ्लॉज हैं, उसके जो कमजोर हिस्से हैं, वो टूट कर फ्रैक्चर नहीं हो जाए, पार्टिकल्स टूट के अलग नहीं हो जाए, ठीक है। द पार्टिकल्स साइज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस मे नॉट बी द डिजायरेबल वन, मतलब इस तरीके से जो फ्लॉज का टूट जाना है ना, यहाँ पे अपन फ्लॉज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ्लॉज को क्रैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लॉज को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जो मटेरियल में फ्लॉज प्रेजेंट है उसी फ्लॉज को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उसको क्रैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एक नया फ्लॉज का क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर ग्रिफिथ थ्योरी इज सिंपल एंड एक्सप्लेन्स द साइज रिडक्शन प्रोसेस रीजनेबली, ठीक है। हालांकि ये जो ग्रिफिथ है, ये इसने जो थ्योरी दिया है, ये साइज रिडक्शन प्रोसेस को ठीक ठाक तरीके से समझा देता है। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ थ्योरी द अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन द क्रैक लेंथ एंड फोकस ऑफ स्ट्रेस एट द एटॉमिक बॉन्ड ऑफ द क्रैक एपेक्स, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो फोर्स है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन क्रैक लेंथ, कितना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्रैक लेंथ की डिपेंड करता है, ठीक है। और जो एटॉमिक बॉन्ड्स हैं उसके बीच में जो कमजोरी है, कितना वीक बॉन्ड है, वो उस पे डिपेंड करता है। द रिलेशनशिप में भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड है, तो ये जो ग्रिफिथ का जो थ्योरी है इसके लिए मैथमेटिकल जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो ये है, देखिए t equal to under root y epsilon upon c, तो यहाँ पे t क्या है टेंसिल स्ट्रेंथ, ये मेगा पास्कल में है, ठीक है, मेगा पास्कल, इसका यूनिट क्या होगा, मेगा पास्कल। वैसे ही y क्या है, यंग्स मॉडुलस, जो हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस देखा था वहाँ पे, जो क्या बताता था यंग्स मॉडुलस, जहाँ पे एंगल से हमको पता चलता था कि उसका साइज रिडक्शन या कोई भी मटेरियल हार्ड कैसा है या सॉफ्ट कैसा है, ये बताता था यंग मॉडुलस, इसका भी यूनिट क्या होगा, मेगा पास्कल, ठीक है। देन एप्सिलॉन क्या बता रहा है यहाँ पे, सरफेस एनर्जी ऑफ वॉल ऑफ क्रैक, यानी ये सरफेस एनर्जी किसका बता रहा है, जो भी मटेरियल है उसकी जो वॉल है उसका, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। एंड सी जो है ये क्रिटिकल क्रैक पाथ रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर, मतलब जो क्रैक पाथ जो है क्रिटिकल है ना, जो फ्रैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे टेंसिल स्ट्रेंथ की बात की, टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है, तो टेंसिल स्ट्रेंथ इज अ मेजरमेंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल समथिंग सच एज रोप वायर और अ स्ट्रक्चर बीम टू द पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स, यानी कि ये जो टेंसिल स्ट्रेंथ है, जब हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने जहाँ पे ग्राफ देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, तो हम लोग क्या करते थे, फोर्स अप्लाई करते जाते थे, फिर एक ऐसा टाइम आता था जब हम थोड़ा सा फोर्स और अप्लाई करते थे तो क्या हो जाता था, ये ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। तो जो वो स्ट्रेस या वो फोर्स है ना, जिसके अप्लाई करने पर टूट रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंसिल स्ट्रेस दैट इज कैन टेक बिफोर फेलर फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग, यानी कि टूटने के लिए जो ताकत लगाना पड़ेगा किसी मटेरियल को तोड़ने के लिए, वही उसका टेंसिल स्ट्रेंथ होगा। द लीनियर रिलेशनशिप इक्वेशन वन में अगर आप देखो, ये इक्वेशन वन है, तो इसके अकॉर्डिंग लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच है, स्क्वायर ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड द क्रिटिकल हाइट और ड्रॉप वेट इंपैक्ट सजेस्ट दैट द स्क्वायर ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब देखो यहाँ पे अपन स्क्वायर की बात क्यों कर रहे हैं, जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे, इसको रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाई एप्सिलॉन अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस सी को हम यहां से यहां ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया। तो यहां पे वही बात कर रहा है कि टेंसिल स्ट्रेंथ का स्क्वायर ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ
जो है ये, और क्रिटिकल हाइट यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे देखो, क्रिटिकल हाइट या क्रिटिकल ड्रॉप वेट इम्पैक्ट सजेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे देखो जो क्रैक्स है इसके बीच में, यहाँ पे इस रिलेशनशिप से समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसके बीच में रिलेशनशिप है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना हम लोग फोर्स लगाएंगे तो कितना उसमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी भी मटेरियल को साइज रिडक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी तक फ्लॉज जो है वो हमने क्रिएट नहीं की है, ऑलरेडी जो मटेरियल में पहले से जो फ्लॉज प्रेजेंट है हमने सिर्फ उसी फ्लॉज को क्रैक्स में कन्वर्ट किया है गया, ठीक है, और इस तरीके से साइज रिडक्शन किया है। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ आगे और भी कुछ थ्योरीज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पे, इफ फ्लॉज आर नॉट प्रेजेंट। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि फ्लॉज पहले से प्रेजेंट था, पर इफ फ्लॉज आर नॉट प्रेजेंट इन पार्टिकल द फोर्स ऑफ मिलिंग प्रोड्यूसेस न्यू फ्लॉज। फोर्स ऑफ मिलिंग प्रोड्यूसेस न्यू फ्लॉज यानी कि अगर पहले से कोई फ्लॉज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जो हम इम्पैक्ट डालेंगे या जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, नए फ्लॉज को क्रिएट करेगा, है ना। द यूजफुल वर्क इज मिलिंग इज द यूजफुल वर्क इन मिलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ न्यू क्रैक फॉर्म्ड। यानी कि जो वर्क हुआ जब हमने अप्लाई किया, जो क्रैक्स या फ्लॉज बना रहे हैं उसके लिए जो वर्क हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ न्यू क्रैक फॉर्म, नया जो क्रैक फॉर्म हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ न्यू क्रैक, क्रैक जो होता है जैसे ये आप देख पा रहे हो नीचे में कुछ क्रैक्स हैं, ये धीरे धीरे क्या होंगे, बड़े होंगे, तो ये जो हर बार इम्पैक्ट डालने पे ये क्रैक्स में कितना लेंथ बन रहा है ये उसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल, ये जो हमने लेंथ क्रैक का जो लेंथ होगा उसके, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग न्यू फ्लॉज इन अ पार्टिकल इज एज फॉलोज। तो क्या है, यूजुअली द सरफेस ऑफ पार्टिकल इज इररेगुलर। तो ये आपको पता है कि पार्टिकल का जो सरफेस होता है वो इररेगुलर होता है। द अप्लाइड फोर्स इज इनिशियली टेकन ऑन द हाई पोर्शन ऑफ द सरफेस, एज द रिजल्ट हाई स्ट्रेस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर मे बी सेट अप लोकली इन द पार्टिकल, ठीक है। तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो सबसे पहले हमने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे हम पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इररेगुलर शेप के होते हैं वो, सरफेस भी इररेगुलर होता है, तो वो जो फोर्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाता है उसके पार्टिकल्स के नए सेटअप के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी और कुछ ना कुछ बॉन्ड में कोई ना कोई चेंज आएगा और पार्टिकल्स में थोड़ा मोड़ा क्या हो जाएगा, मूवमेंट आएगा। फिर देखिए द बॉन्ड एट दिस प्लेस बिकम वीक, जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया वहाँ पास के जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फ्लॉज, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्लॉज के क्रिएट करने के लिए, बनने के लिए, ठीक है। द पार्टिकल्स फर्दर एब्जॉर्ब अप्लाइड स्ट्रेन एनर्जी एंड डीफॉर्म, ठीक है। डीफॉर्म मैंने बताया था, विकृति आ जाना, उसके जो एक्चुअल शेप है उसमें चेंज आ जाना। द स्ट्रेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द क्रैक्स टू फ्रैक्चर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ क्रैक फॉर्म, ठीक है, जो क्रैक बनेगा उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देन दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाई द फ्लो ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेन एनर्जी टू द क्रैक, है ना। तो जो ये जो एनर्जी होगा, दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाई द फ्लो ऑफ द रेसिडुअल स्ट्रेन एनर्जी टू द क्रैक। जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन क्रिएट होगा मटेरियल में, वही एनर्जी इसके फ्लॉज के फॉर्मेशन के लिए काम आने वाला है, ठीक है। नॉट ऑल मटेरियल एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ ब्रिटल बिहेवियर। अब ये जो था हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, ब्रिटल बिहेवियर वाले मटेरियल हैं जिसको आप इम्पैक्ट डालोगे तो टूटेंगे ही टूटेंगे। दे रजिस्ट फ्रैक्चर, कुछ ऐसे हैं जो ब्रिटल नेचर के नहीं होते हैं। दे रजिस्ट फ्रैक्चर इवन एट मच लार्जर स्ट्रेस। अगर आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसको आप पीटते जाओगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो टूटेंगे नहीं, वो रजिस्ट करेंगे फ्रैक्चर होने को, ठीक है। बिकॉज देयर आर दीज आर टफर, मतलब ये क्यों, क्योंकि या तो ये बहुत ही टफ होंगे, दे अंडरगो प्लास्टिक फ्लो, या फिर प्लास्टिक फ्लो करेंगे। दिस अलाउज स्ट्रेन एनर्जी रिलैक्सेशन विदाउट क्रैक प्रोपेगेशन, यानी कि
जो हमने स्ट्रेस डाला तो उससे जो मटेरियल में स्ट्रेन आते हैं उस स्ट्रेन को रिलैक्स करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर रीअरेंज हो जाते हैं, है ना, प्लास्टिक फ्लो हो जाता है, मटेरियल का मॉलिक्यूल अपने जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो जो एनर्जी खर्च हो गया ना उसके वजह से उसका जो स्ट्रेन आया था वो स्ट्रेन खत्म हो गया, इसके वजह से उसमें क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। व्हेन प्लास्टिक फ्लॉज अकर एटम और मॉलिक्यूल स्लिप्स ओवर वन अनदर, यानी मॉलिक्यूल्स इसमें एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एनर्जी, ये जो प्रोसेस था मॉलिक्यूल का स्लिप होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ये एनर्जी रिक्वायर, इसके लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी जो हमने अप्लाई किया वो एनर्जी इसमें खर्च हो जाता है, इसलिए उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलो इसका हम देखते हैं एक बार, देखो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा ये क्रैक्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल देखो जैसे हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहे हैं है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एनर्जी खर्च हो रही है उसके डिफॉर्मेशन में खर्च हो जा रही है, पर वो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल जो है वापस उसमें रिटर्न नहीं हो रहे हैं, यानी इसमें प्लास्टिक फ्लो हो रहा है, प्लास्टिक फ्लो मतलब मटेरियल फिर से रिटर्न नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लास्टिक फ्लो की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, प्लास्टिक फ्लो की, प्लास्टिक फ्लो मतलब मटेरियल रिवर्सिबल ही डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है, आप नीचे जो देख रहे हैं ये रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है, पर मटेरियल का रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्रैक्स जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, अगर नहीं है क्रैक्स, यहाँ पे कोई मटेरियल होगा उसमें नहीं है क्रैक्स, तो क्रैक्स क्रिएट होंगे, और क्रैक्स अगर हैं तो क्रैक्स इनलार्ज होंगे, इलोंगेट होंगे, और पार्टिकल्स टूटेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल पीसेस में, नंबर ऑफ पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ राइट साइड में नीचे बॉटम में देखो, ये आप वो जो ग्राफ हमने पहले देखा था उसी को वापस देख रहे हैं, देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, ये जो आप ब्लू कलर का एक बैंड देख रहे हो ये मटेरियल है जिसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो पहले वाला दिख रहा है ये इलास्टिक फ्लो है, यानी कि यहाँ तक मटेरियल अगर हमने लाकर छोड़ दिया तो मटेरियल वापस क्या होगा, अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है जितना, ठीक है, अगर हम मटेरियल को क्या करें उससे ज़्यादा, यानी कि जिसको यील्ड पॉइंट बोल रहे थे हम, है ना, यील्ड पॉइंट के जस्ट बाद अगर हम फर्दर उसमें और कर रहे हैं, तो ये जो ग्रीन वाला बैंड दिख रहा है, ये ग्रीन वाला बैंड जो है ये बता रहा है कि अब उसमें प्लास्टिक फ्लो हो रहा है, यानी अब वो जो डिफॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, देन कुछ समय के बाद ये जो ग्राफ है देखो, येलो वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन और पिंक है ये क्या कर रहा है, इलास्टिक फ्लो बता रहा है, लेकिन जैसे ही ये येलो वाला जो हिस्सा आ रहा है आप देख रहे हो, येलो वाला बैंड जो दिख रहा है, ये येलो वाला बैंड वो स्थिति हो गई जहाँ पे मैक्सिमम हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, और अब मॉलिक्यूल टूटने के कगार पे है, और ये यही उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। अब क्या मॉलिक्यूल खींचने के बाद एक टाइम पे वो मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाता है, और उस स्ट्रेन के बाद फर्दर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसी में थोड़ा और कुछ थ्योरीज जो दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशंस की, हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशंस की, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो साइज रिडक्शन करने में जो एनर्जी खपत हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो साइज रिडक्शन बिगिंस विद द ओपनिंग ऑफ स्मॉल फ्लॉस, यानी कि जो साइज रिडक्शन है उसकी शुरुआत कैसे होती है, जो फ्लॉस था वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये फ्लॉस है तो इसकी ओपनिंग से स्टार्ट होता है, यानी थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, खुलेगा, टूटेगा, यहाँ पे जो वीक बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, जिससे कि फ्लॉस क्रैक में कन्वर्ट हो रहा है इनिशियली, है ना। बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी लार्ज पार्टिकल मे हैव न्यूमरस फ्लॉस रेडली फ्रैक्चर व्हेन कंपेयर टू स्मॉलर पार्टिकल्स विद फ्यूअर फ्लॉस, अगर हम कंपेयर करें कि बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स का, तो बड़े पार्टिकल्स के बाद बहुत सारे फ्लॉस प्रेजेंट हैं, है ना, तो क्या होंगे, बहुत ही जल्दी वो टूटेंगे, रेडली फ्रैक्चर होंगे, है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाएंगे, है ना, एज कंपेयर टू छोटे पार्टिकल्स जिसके पास नंबर ऑफ फ्लॉस भी कम है, तो वो क्या होंगे, कम पार्टिकल्स बनाएंगे। द सप्लाइड एनर्जी इज यूज्ड टू, जो हम लोगों ने एनर्जी सप्लाई किया है मटेरियल के ऊपर वो किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, देखिए, है ना। तो सबसे पहला इंक्रीज न्यू सरफेस एरिया, मतलब कुछ एनर्जी किस में यूज हो जाएगी, न्यू सरफेस एरिया, है ना, फ्रॉम फ्लॉस, यानी कि जो फ्लॉस है उसके टूटने से नया सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है, उसमें कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, और इनिशिएट फ्लॉस और क्रैक इन द पार्टिकल, यानी कि कुछ एनर्जी किस में खर्च होगी,
इनिशिएट करने में, क्रैक्स को इनिशिएट करने में और फ्लॉज को इनिशिएट करने में, ठीक है। दिस फिनोमिना इज ऑब्जर्व जनरली इन फाइन ग्राइंडिंग, ये जो फिनोमिना है फाइन ग्राइंडिंग में देखने को मिलता है। मोस्ट एफिशियंट मिलिंग यूटिलाइज लेस देन 1% ऑफ द एनर्जी इनपुट टू फ्रैक्चर पार्टिकल्स और क्रिएट न्यू सरफेस, यानी कि जो एफिशियंट मिलिंग है ना, मोस्ट एफिशियंट मिलिंग है वहाँ पे, जो लेस देन 1% एनर्जी जो है वो किस में खर्च हो रही है, 1% जो हमने एनर्जी अप्लाई किया उसका 1% से भी कम एनर्जी फ्रैक्चर करने में यानी पार्टिकल्स को तोड़ने में खर्च हो रही है। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड, है ना, जो बची हुई एनर्जी वो अलग अलग चीज़ों में वेस्ट हो रही है या खपत हो रही है, जिस दो क्रैक्स के फॉर्मेशन में या साइज रिडक्शन में काम नहीं आ रही, बल्कि वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जा रही है ना। तो किसी और चीज़ में यूज़ हो रही है वो कौन कौन सी, देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी हो रही है खर्च, है ना, फॉर अनफ्रैक्चर्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल टूटे नहीं है उसके इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो एरिया है जहाँ पे मटेरियल फिर से रिवर्सिबल होता है, वो अपने पुराने स्टेट में चला जाता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द मिल चैम्बर, मिलिंग चैम्बर के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में खर्च हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, अब फ्रिक्शन में भी एनर्जी खर्च होती है, जहाँ पे ज़्यादा घिसाव होगा वहाँ पार्टिकल्स के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन होगा, जो क्या करेगा रजिस्ट करेगा फ्लो करने को, यानी कुछ एनर्जी का खर्च वहाँ पे हो जा रहा है। देन फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मिल, अब पार्टिकल्स के बीच में और फ्रिक्शन बिटवीन मतलब पार्टिकल्स और जो मिल का चैम्बर है उसके अंदर की जो वॉल है उसके बीच में फ्रिक्शन में हो रहा है। कुछ एनर्जी हीट के रूप में खर्च हो जा रही है, कुछ एनर्जी जो हमने अप्लाई किया वो हीट के फॉर्म में खर्च हो जा रही है, वे है ना। वाइब्रेशन एंड नॉइज, कुछ एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जी वहाँ पे खर्च हो जा रही है। एंड इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन एंड मोटर, मतलब क्या होता है हर एक मोटर की एफिशिएंसी जो होती है प्रॉपर नहीं होती, यानी कुछ एनर्जी मोटर भी जो उसमें मूवमेंट ला रहा है मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने के लिए वो मोटर भी कुछ खा जाता है, जैसे मोटर में हीट जनरेट होता है उसका खुद का फ्रिक्शन होता है, तो इस तरीके से जो हमें एनर्जी अप्लाई की वो बहुत जगह खर्च हो जाती है और उसका 1% से भी कम हिस्सा जो है फ्रैक्चर करने के लिए पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। एनर्जी इनपुट एंड यूटिलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ टू एस्टिमेट द एफिशिएंसी ऑफ द मिल फॉर गिवन मटेरियल, यानी कि ये जो एनर्जी इनपुट है और यूटिलाइजेशन है उसका, ये जो कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्टिमेट करने के लिए कि जो मिलिंग एफिशिएंसी किसी इक्विपमेंट की वो कैसी है, अच्छी है या खराब है। अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी इनपुट एंड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन प्रोड्यूस, तो यही जो एनर्जी हमने दिया और कितना किस में खर्च हो गया तो उस इनपुट के कारण कितने साइज रिडक्शन हो रहे हैं, इसका जो कैलकुलेशन है उसको देने के लिए कुछ थ्योरीज आगे चल के दी गई जो इसमें हेल्पफुल होता है किस चीज़ में, ये एस्टिमेट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किसी भी मिलिंग इक्विपमेंट का एफिशिएंसी कैसा है, अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन थ्योरीज को। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज रिडक्शन ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज राइज्ड टू सम पावर, दिस मे बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, यानी कि ये जो साइज राइज टू सम पावर मतलब कुछ जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो साइज बड़ा हुआ, जो साइज राइज्ड हुआ है ना, टू द साइज राइज्ड टू सम पावर, यानी कि साइज जो है प्रोड्यूस हो रहा है जो मटेरियल है ना, जो यूनिट है उसके पावर में, यानी कि कुछ पावर में, अब कितना पावर ये डिसाइड करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके रिलेशनशिप्स की, तो ये जो है एक रिलेशनशिप है, देखो डी ई अपॉन डी डी इक्वल टू माइनस सी अपॉन डी के पावर एन, ये जो हमने पावर की बात की थी वो एन है, ठीक है, अब ये एन वेरी करता है, तो ये जो डी है ये क्या क्या है, देखो ई जो है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द चेंज, है ना, इसका यूनिट क्या होगा किलोवाट आवर, इसका यूनिट क्या होगा किलोवाट आवर।
देन डी क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ यूनिट मास, मतलब जो यूनिट मास है उसका साइज क्या होगा माइक्रोमीटर में, ठीक है। देन सी क्या है, कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है वाट आवर, एंड एन भी कांस्टेंट है, एन भी क्या है कांस्टेंट है। तो ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, एनर्जी रिक्वायर्ड और उससे जो पार्टिकल्स होंगे साइज रिडक्शन जो होगा, साइज रिडक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए एक रिलेशनशिप है। तो ये इक्वेशन टू हो गया, हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में देखा था, अब ये इक्वेशन टू हो गया। इक्वेशन टू में भी रिटर्न वेन एन इक्वल टू वन, अगर एन को हम वन मान लें, ये जो एन पावर में जो था इसको अगर वन मान लें, तो अब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी लॉग एन ब्रैकेट में डी आई अपॉन डी एन। अब ये डी आई क्या है, साइज ऑफ द फीड, यानी कि इनिशियल साइज, किसी पार्टिकल का इनिशियल साइज जिसको हम फीड करेंगे, डालेंगे मटेरियल को, ये भी किस में होगा माइक्रोमीटर में होगा। एंड डी एन मतलब साइज जो नया प्रोड्यूस हुआ है ना, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, न्यू प्रोड्यूस्ड साइज, ठीक है, वो भी माइक्रोमीटर में होगा। तो द इक्वेशन थ्री में जो ये डी आई अपॉन डी एन है, ये क्या बताता है, डी आई और डी एन इज सोन एज अ रिडक्शन रेशियो, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन रेशियो, यानी कि कितना आपने फीड का साइज रखा था और प्रोडक्ट का साइज कितना है, तो वो जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रेशियो, है ना। द यूजफुलनेस ऑफ इक्वेशन थ्री इज दैट सेटिस्फाई वेरियस लॉ प्रपोज, यानी कि ये जो इक्वेशन थ्री जो आया है, ये जो इक्वेशन है ये अलग अलग थ्योरीज को सेटिस्फाई करता है, उसके जो प्रपोज्ड थ्योरी है उसको सपोर्ट करता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, यहाँ पे n इक्वल टू वन था तो ये फार्मूला आया था, ये n इक्वल टू वन के लिए फार्मूला था, अगर n इक्वल टू 1.5 रखें तो जो फाउंड, देखो जो वन आया है ये किसको सपोर्ट करेगा, ये किक्स लॉ को सपोर्ट करेगा, हम लोग आगे भी देखेंगे किक्स लॉ क्या है, तो ये किक्स लॉ को सपोर्ट करेगा। अगर हम n इक्वल टू 1.5 रखें तो ये बॉन्ड्स लॉ को सपोर्ट करेगा, है ना, एक्सप्लेन करेगा बॉन्ड्स लॉ को। अगर हम n इक्वल टू 2.0 है ना, 2 रखें तो जो इक्वेशन बनेगा, ये जो थर्ड इक्वेशन बनेगा वो रिटिंगर्स लॉ को सपोर्ट करेगा, रिटिंगर्स लॉ को सपोर्ट करेगा या एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए देखते हैं ये जो तीनों हमने अभी लॉ बताया, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, ये क्या है। तो चलिए बात करते हैं रिटिंगर्स लॉ की, हम बात कर रहे हैं रिटिंगर्स लॉ। रिटिंगर्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रिटिंगर्स हाइपोथेसिस, है ना, इसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एनर्जी ई रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। ये सरफेस एरिया के साथ रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी रिक्वायर्ड न्यू सरफेस एरिया जो प्रोड्यूस किया गया है उसके, है ना। इसके लिए रिलेशनशिप ये है, देखिए ई इक्वल टू के आर है ना, ब्रैकेट में एस एन माइनस एस आई। एस आई क्या है, इनिशियल सरफेस एरिया, और एस एन क्या है, न्यू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, है ना, ये दोनों स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए यूनिट क्या होता है, ये माइक्रोमीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर क्यूब अपॉन, ठीक है। तो ये हो गया एन मतलब नया सरफेस एरिया, आई मतलब इनिशियल, ठीक है। तो ये पहले जो था जिस फील्ड को हमने डाला था उसका जो सरफेस एरिया था, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और जो न्यू है सरफेस, जो नया पार्टिकल बना या जो प्रोडक्ट बना है उसका जो सरफेस एरिया होगा वो एस एन से डिनोट किया जाएगा। और जो के आर है ये रिटिंगर्स कांस्टेंट है, रिटिंगर्स कांस्टेंट जो है इसका जो यूनिट होता है वो पर यूनिट एरिया के लिए किलो वाट आवर अपॉन माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। एंड ई जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन, ये क्या होगा किलोवाट आवर्स, इसका किलोवाट घंटा इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ये जो रिटिंगर्स थ्योरी है किसके किसके बीच बता रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड और जो सरफेस एरिया, नया सरफेस एरिया बना है उसके बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप बता रहा है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। इट इज़ मोस्ट एप्लीकेबल इन ब्रिटल मटेरियल, ये जनरली ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और जो कि फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम अगर देख रहे हैं तब। रिटिंगर्स थ्योरी इग्नोर पार्टिकल डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, ये जो है रिटिंगर्स थ्योरी ये डिफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है, फ्रैक्चर के पहले जो पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन आ रहा है ये उससे कोई रिलेशनशिप या उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गया रिटिंगर्स थ्योरी, ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो रिटिंगर्स थ्योरी के बाद अपन बात करते हैं दूसरे थ्योरीज का,
चलिए बात करते हैं बॉन्ड्स थ्योरी का, ठीक है। ये बॉन्ड्स थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स थ्योरी द एनर्जी यूज इन क्रैक प्रोपेगेशन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो है ये बात कर रहे हैं किसके बीच में एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके बीच में एनर्जी रिक्वायर्ड, और प्रोपोर्शनल किसके है, ये नए क्रैक लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये जो नया क्रैक लेंथ बनेगा उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दिस स्टेट्स दैट एनर्जी यूज्ड फॉर डीफॉर्मिंग और फ्रैक्चरिंग अ सेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इक्विवेलेंट शेप, यानी कि अगर हम कोई पार्टिकल्स फिट दे रहे हैं जो इक्विवेलेंट शेप का साइज का है, ठीक है, और उस पर हमने एनर्जी अप्लाई किया है, तो जो डीफॉर्मेशन या फ्रैक्चरिंग जो हो रहा है जिस उसमें जो खर्च हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन पार्टिकल डायमेंशन, पार्टिकल डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है उसके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स थ्योरी द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो बॉन्ड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोलता है, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि ई इज इक्वल टू 2 kb, kb ब्रैकेट में 1/√dN − 1/√dI ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बॉन्ड्स थ्योरी के लिए एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे के बी क्या होगा, बॉन्ड कांस्टेंट, वहाँ पे रिटिंगर्स में के आर था, बॉन्ड्स में के बी है, ठीक है। बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स, ये के बी क्या बताता है, बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी कितना पर यूनिट मास के लिए खपत होने वाला, ये उसके लिए क्या हो गया, यूनिट किलोवाट घंटा इंटू अंडर रूट माइक्रोमीटर। देन DI क्या है, इनिशियल डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, डायमीटर जब हम लोग पार्टिकल्स को फीड कर रहे हैं तो उसका जो डायमीटर होगा, एवरेज जो डायमीटर होगा वो, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसका जो पार्टिकल्स का डायमीटर होगा, एवरेज डायमीटर वो, तो DN क्या हो जाएगा, न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल, यानी कि साइज रिडक्शन के बाद का, ठीक है, ये साइज रिडक्शन का बाद का है और ये साइज रिडक्शन के पहले का। तो बॉन्ड्स इंडेक्स इज द वर्क रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द यूनिट वेट फ्रॉम द थ्योरेटिकल इन्फिनिटी साइज टू 80% पासिंग 100 माइक्रोमीटर, यानी कि इन्फिनिटी साइज से पार्टिकल साइज का रिडक्शन इतना कर दें कि वो पार्टिकल जो है वो 80% उसका जो हो जाएगा 100 माइक्रोमीटर साइज के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी यूज इन क्रैक प्रोपेगेशन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस, तो ये याद रखेंगे कि क्रैक एनर्जी यूज इन क्रैक प्रोपेगेशन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस, यानी कि नया जो क्रैक बना उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा क्या जो एनर्जी यूज हुआ है, किसमें, क्रैक प्रोपेगेशन मतलब फैलाव, फैलना, क्रैक जो फैल रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी लग रहा है वो किसके हो गया, लेंथ ऑफ क्रैक न्यू प्रोड्यूस जो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। दिस लॉ इज यूजफुल फॉर रफ मिलिंग साइजिंग, द वर्क इंडेक्स इज यूजफुल टू कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ मिल ऑपरेशन, तो मिलिंग ऑपरेशन को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे जो वर्क इंडेक्स है बॉन्ड्स थ्योरी का वो यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड्स थ्योरी। चलिए अब बात करते हैं, एक थ्योरी और बच रहा है, किक्स थ्योरी। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किक्स थ्योरी का। अब किक्स थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द किक्स थ्योरी द एनर्जी यूज इन डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चरिंग अ सेट ऑफ पार्टिकल ऑफ इक्विवेलेंट शेप इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज, ये साइज चेंज जो हुआ उसके रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, जो एनर्जी खपत हो रहा है। और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है, तो ई इक्वल टू के, देखो किक्स थ्योरी है, के कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, के लॉग एन अपॉन डी आई अपॉन डी एन, ठीक है। तो यहाँ पे किक्स कॉन्स्टेंट होगा के, है ना, इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, ये हो गया यूनिट, हो गया किलोवाट आवर, एंड डीआई क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन जो इनिशियल स्टेज में होगा माइक्रोमीटर में, और डीएन क्या होगा, न्यू फॉर्म जो होगा पार्टिकल उसका डायमीटर, यानी प्रोडक्ट का डायमीटर, पार्टिकल डायमीटर, और जो हम लोग फीड करेंगे मटेरियल उसका डायमीटर। द किक्स प्रोपोर्शनल वाज डेवलप्ड ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर क्यूब्स अंडर कंप्रेशन, इट्स एज्यूम्स दैट द मटेरियल हैज फ्लॉज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटरनल सरफेस फॉर क्रशिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल, किक्स इक्वेशन इज मोर यूजफुल, है ना।
ये जो स्ट्रेन स्ट्रेन थ्योरी जो डायग्राम था है ना अंडर ये क्या अज्यूम करता है, मटेरियल जो है उसके पास पहले से फ्लॉज जो है उसके पूरे अंदर तक हर जगह क्या है फैला हुआ है, फ्लॉज यानी कमजोर हिस्सा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है किक इक्वेशन, ये जो हम लोग एफिशिएंसी बताते हैं उसके लिए। इक्वेशन 1, 2, 6 जो हम लोगों ने अब तक देखा, अप्लाइड प्रिसाइसली ओनली अंडर द कंडीशन दैट ऑल द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू सरफेस एनर्जी, अगर हर एनर्जी जो है वो किस में हो जाएगा, सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। साइज रिडक्शन ऑफ द मटेरियल इज अलोन नॉट सफिशियंट टू ऑब्टेन पावर ऑफ डिजायर्ड साइज, इट इज फॉलोड बाई सेपरेशन सेवरल इक्विपमेंट डिजायरेबल अर्लियर एज इंक्लूड सीव्स एंड स्क्रीनिंग एज इनिशियल पार्ट्स, हाउएवर साइज सेपरेशन इज डिस्कस्ड, ठीक है, सेपरेटली इन अदर चैप्टर। तो जो हम लोग साइज रिडक्शन कर रहे हैं इससे हम लोग डिजायर्ड साइज का सारा पार्टिकल जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते, कितनी भी आप थ्योरी लगा लो, हम साइज रिडक्शन करेंगे तो वेरिएबल साइज के ही पार्टिकल्स मिलेंगे हमको, जिस साइज रेंज का चाहिए एग्जैक्टली हमको, अगर वही साइज रेंज चाहिए तो हमको फर्दर क्या करना पड़ेगा, साइज सेपरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी एक इक्विपमेंट यूज़ करना ही पड़ेगा जो साइज सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज जो है वो साइज रिडक्शन के लिए प्रपोज्ड थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये साइज रिडक्शन का टॉपिक अब कंप्लीट होता है, ओके, ठीक, थैंक यू।